Hey guys, मैं हूँ मेघा एंड वेलकम टू पूरी दुनिया। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ पंजाब बेकरी जो नड़ियाद में ही, आपने संतराम मंदिर का नाम तो सुना ही होगा ना, तो उस रोड पे ही है। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ यहाँ के पफ। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं और क्या वैरायटीज भी है। तो चलिए मेरे साथ। तो चलिए ये पफ की लेयर, मतलब जो ऊपर का होता है, वो रेडी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हो ये लेयर बन रही है। ये मशीन है पूरी, आप देख सकते हो इसमें कितना स्पीडी काम हो रहा है। तो अभी ये रोल कर रहे हैं, आप देख सकते हो ये एक लेयर रेडी हो गई है। अभी इसको वहां पे रखोगे। यहाँ पे अभी अंकल ने रख दिया है। अभी यहाँ पे ये आटा डालेंगे, उसके बाद ये रोल यहाँ पे ऊपर खोला जा रहा है, आप देख सकते हो। ये और आटा, वैसे ही ये कौन सा आटा होगा? मैदे का। इसमें क्या क्या डाला है? और ये और आटा ऊपर से, आप देख सकते हो। अभी फिर से ये बेल रहे हैं ताकि और इसकी स्लाइस मतलब बहुत ही अच्छी लगे, आप देख सकते हो।
आप कितने टाइम से हो गए यहाँ पे? अच्छा, थ्री इयर्स से है ये यहाँ पे। देखो अभी ये बेल रहे हैं, आप देख सकते हो। अभी इसको ये काट रहे हैं ताकि पफ का शेप दे सके, है ना? आप देख सकते हो। देखो आपको कितना क्लियर ही दिखाई दे रहा होगा, कितना स्पीडी काम हो रहा है यहाँ पे। कट कर दिया। ये भैया यहाँ पे मसाला भर रहे हैं, आप देख सकते हो। ये मसाला भी यहाँ पे बहुत टेस्टी और गर्मा गर्म होता है, मतलब आप खाओगे ना पहले तो आपका मुंह जल जाएगा, उतना गर्म होता है। तो उसको आपको ठंडा होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये मसाला अभी ये देखो, इसको ये रोल कर रहे है। देखो एक साथ कितने सारे, मतलब आप रेडी हुए, कितनी स्पीड है इनकी। ये फिर से मसाला एक साथ में कितने, मतलब पफ यहाँ पे होते होंगे रेडी? अभी अभी कितने बने होंगे? 100 है, देखो आप देख सकते हो 100 है पूरे एक साथ में। तो दिन में कितने होंगे? दिन में पंद्रह सौ सोलह सौ दिन में हो गए। आप देख सकते हो मतलब कितना फास्ट काम हो रहा है यहाँ पे। ये मसाले की स्मेल भी मुझे अभी आ रही है, बहुत ही मतलब टेस्टी है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पूरा रोल था वो कट हो चुका है, पफ के मतलब पूरा आकार इन्होंने दे दिया है। आप देख सकते हो ये मसाला भी कितना स्पीडली। देखो आप देख सकते हो अभी ये कहाँ पे रखोगे? आप ओवन में रखोगे? ओवन में जाएगा। एक साथ में कितनी मतलब ट्रे उठा ले तो कितने, और उसमें कितने, हाँ उसमें कितने आ जाते होगे? देखिए आप देख सकते हो, हाँ हाँ 7 पीस आते हैं भैया एक ट्रे में। वो दो जन मतलब काम कर रहे हैं, ये पूरे 100 पफ है। तो सोचो दिन में कितने हो गए, आप देख सकते हो। ये लॉकडाउन के बाद भी मतलब 100। रेडी होने के बाद ओवन में यहाँ पे रखा जाता है, आप देख सकते हो एक साथ कितने सारे पफ मतलब रेडी हो गए यहाँ पे। बहुत सारी वैरायटीज है, क्रीम रोल, खारी, टोस्ट, वो सब भी आप देख सकते हो। और इसकी डिजाइन भी देखो कितनी मतलब अच्छी है। ये देखिए बहुत सारे। देखो पानी डाल रहे हैं, देखो अब देख सकते हो मैदा छिटका था ऊपर। क्या? हाँ मैदा आता है ना। हाँ देखो ये ऊपर मैदा पहले ऊपर डालते हैं, उसके बाद ये पानी। ओवन में जाने के लिए रेडी हो रहा है यहाँ पे पूरा, मतलब ये भर के ये लोग ओवन में रखेंगे। आप देख सकते हो इसमें पानी ऊपर से हमने देखा इन्होंने डाला ताकि पफ खिले, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग, आप देख सकते हो।
अभी रेडी हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं आगे की प्रोसेस। देखो ओवन है, आप देख सकते हो एक साथ इतने सारे पॉट्स हैं। आप सोच नहीं सकते इतने सारे पॉट्स हैं। ये अभी हो गया है, अभी इसमें कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेगी वो इसमें। तो चलिए और आगे और क्या होता है देखो। ये भी रेडी होगा, जीरा टोस्ट है, जीरा बिस्किट है, नान चटाई है, और गेहूँ के बिस्किट है, ब्रेड, पाव भाजी के पाव है। और दिवाली के टाइम मतलब यहाँ पे वो दिवाली के टाइम 32 आइटम्स बनती है, अलग अलग टाइप के बिस्किट होते हैं। और सबसे ज्यादा तो मतलब पफी है ना, पफ चलता है। हाँ, तो दिन में कितना मतलब बनते होगे, दिन में कितना बिकते होगे? दिन में समझो ना 2-2.5 हज़ार पफ निकल जाते हैं। और लॉकडाउन से पहले? जी लॉकडाउन से पहले अभी समझो 1500-1600 जितना जाता है। जी रेडी हो गए ये वाले, तो अभी ओवन में से निकाल रहे हैं जो हमने अभी यहाँ पे देखते हैं। आप देख सकते हो इतना एरिया मतलब बहुत ही टेम्परेचर वाला, बहुत ही गर्म है। आप देख सकते हो फिर भी ये भैया मतलब गर्मी में तो बहुत गर्मी लगती होगी, है ना? हाँ, वो चलिए तो अभी थोड़ा दूर जाना पड़ेगा इसको निकालेंगे तो गर्म, मतलब भैया ने बोला। अभी आप देख सकते हो ये बहुत ही गर्म हवा आ रही है, आप देख सकते हो ऊपर। देखो ये सारे पफ रेडी हो गए हैं, देखिए आप। अभी ये भैया ने कपड़ा पकड़ा, इससे ये निकाला। ये बहुत ही गर्म होता है, बहुत सेफ्टी से काम करना पड़ता है, इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन फिर भी ये भैया मतलब देख सकते हो आप कितना गर्म है, इसको पकड़ के लाना भैया बहुत ही रिस्की काम है। आप देख सकते हो कितने सारे पफ, मतलब देखो फूल के भी आ गए, इतने वाइट है। वो पानी मतलब भैया ने डाला था ना, बोला था हमको कि इससे मतलब पफ पूरे खिलते हैं। तो देखिए आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है। एक एक प्लेट नहीं, एक साथ 4-5 प्लेट उठा के ले जाएंगे और वो भी स्पीडी से ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हो